मेरा मेन एंट्रेंस। यह है मेरा हॉल। ये एक छोटा सा शोपीस भी है और रिमोट होल्डर भी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मेरे एंट्रेंस के पास है, यहाँ पे मेन गेट है। ये एक्चुअली मेन गेट बाहर है, तो ये अंदर एक है जो मैं हमेशा लॉक करके रखती हूँ। क्लोथ ड्राइंग स्टैंड है यहाँ पे, ये कॉमन टॉयलेट, उसके बगल में मेरा वॉशिंग मशीन। ये अंदर आते ही हॉल, ये हॉल में एक साइड मैंने अपना डाइनिंग टेबल लगाया है। और ये मेरा लवली स्नेक प्लांट है। ये गोल्डन रोज मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइंस डे पे दिया था। ये एफिल टावर जब हम ऊटी फिरने गए थे तब हमने लिया था। तो इस बड़े से टीवी कैबिनेट के बगल में मेरा बेडरूम है। चलिए मैं आपको मेरा बेडरूम बताती हूँ। लेफ्ट में एक अलमीरा रखा हुआ है। ये पेंटिंग भी मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। और ये हमारी फैमिली पिक्चर है। ये मेरी प्रिंसेस, और ये हमारी छोटी सी फैमिली। माशाल्लाह, अ वेरी स्वीट एंड हैप्पी फैमिली।
और बेड साइड में मैं एक छोटा सा पर्स हैंग करके रखती हूँ जिसमें छोटा सा विक्स थर्मामीटर और एक आयोटेक्स हमेशा रखती हूँ, क्योंकि रात में अगर कभी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती हो, बच्ची को लगाना हो या सडनली फीवर आ गया, चेक करने के लिए हमेशा होता है। जैसे अभी भी आपको शायद दिख रहा होगा उसमें थर्मामीटर वहाँ पे, क्योंकि नींद में उठकर जाके लेके आना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है कभी कभार। तो चलिए आपको दूसरा अगला रूम बताती हूँ मैं आपको। तो मेरे रूम से इस तरह दिखता है ये। तो वहाँ से उसी के बगल में एक दूसरा रूम है, यहाँ पे मेरी बेटी का रूम है। यूजली वो सोती नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसकी सारी चीज़ें यहीं पे है, जैसे उसका स्कूटर हो गया, उसके सारे स्टफ्ड टॉयज, उसके सारे कपड़े, उसका रॉकिंग चेयर वगैरह वगैरह। देख लो टेडी बेयर के आईब्रोज सब कुछ ड्रॉ करके रख दिए हैं उसने। अभी समर आ रहा है, सारे टॉयज को धोना पड़ेगा। इसमें उसके सारे स्टफ टॉयज हैं इस बास्केट में। स्मी हाय। तो चलिए मैं आपको किचन बताती हूँ। इस रूम के बगल में मेरा किचन है। अभी कुकिंग चल रही है मेरी, मैंने सोचा कि एक होम टूर शेयर करूँ आपके साथ। तो किचन में एंटर होते ही थोड़ा ग्लास आइटम है जो मैंने यहाँ पे ऊपर रखा है ताकि मेरी बेटी का हाथ ना जाए, आसानी से मैं इन सारी चीज़ों को उठा लूँ। उसके नीचे ये हैंड वॉश, डिश वॉशिंग सोप वगैरह रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम लोग वीडियो तब बनाते हैं जब हमारा घर साफ होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हमेशा साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो साफ सफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं मुझे कि सिर्फ वीडियो डालते वक्त ये लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं वरना घर गंदा पड़ा रहता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, कई बार हमारा घर भी गंदा होता है। कई बार कपड़े बगैर उनको घड़ी करे कि ऐसे ही रूम में पड़े रहते हैं। तो ये किचन में ऊपर के शेल्फ में सारे डिब्बों पर मैं ऐसे लिख देती हूँ पेस्ट एंड ब्रशेज, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, आसानी हो उठाने में। मिर्च और धनिया ये सब मैं घर पे ही पिसा के रख देती हूँ, रेडीमेड नहीं लेती। जो मैंने पहले वाला भी आपको मैं ये भी बता दूँ कि मेरे मसाले के डिब्बे काफ़ी गंदे हो गए हैं, इनको मुझे वॉश करना है। अभी मैंने वीडियो ऐसे ही बना दिया है ताकि आप लोग ना बोलें कि वीडियो बनाते वक्त साफ करते हैं। हाँ, हमारा घर भी गंदा होता है, इसको भी साफ करना पड़ता है। पीडियाश्योर के डब्बे जिसमें मैंने भर भर के सारी चीजें अलग से रखी हुई है। स्टैकिंग मेथड बहुत अच्छा होता है, एक के ऊपर एक जमा करके रख दो तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से होती है। कई सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप शेल्फ में पेपर वगैरह डाल दें तो साफ होता है और सफाई करने में आसानी होती है। तो मुझे ये पर्सनली ये फील होता है कि अगर पेपर ना हो तो सफाई करने में आसानी होती है। देखिए, अगर पेपर ना हो तो आप ऐसे ही जस्ट एक गीला कपड़ा लें और साफ कर लें, पेपर हो तो उसको पेपर को निकालो, नया पेपर डालो वगैरह। तो उसके बगल में फ्रिज है,
बर्तनों का स्टैंड, मिक्सी। ये टब मैं इसलिए रखती हूँ कि इसमें सारे बर्तनों को धो के मैं डाल दूँ। नीचे जो भी ग्रॉसरी आइटम होता है वो, और उसके बगल में जो डस्टबिन है इसमें सारे किचन के इस्तेमाल होने वाले नैपकिन्स, ये सब। तो ये हो गया मेरा होम टूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।